झारखंड के गोड्डा जिले में बीती रात कोयला खदान धस गई है। इस हादसे में करीब 300 मीटर अंदर काम कर रहे लगभग 50 मजदूर फंस गए हैं। खबर है कि इनमें से 7 मजदूरों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। अभी भी खदान में फंसे मजदूरों को निकाला जा रहा है। रास्ते ही राहत और बचाव का काम जारी है। CISF और CRPF की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। हालांकि अंधेरा और घने कोहरे की वजह से बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं पटना और रांची से भी NDRF की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि हादसा बीती रात करीब 8 बजे राजमहल परियोजना के ललमटिया में हुआ। इस हादसे में ललमटिया की डीप माइनिंग में 300 फीट का गड्ढा ऊपर से भरकर समतल मैदान बनाया गया है। खदान धंसने से मजदूरों के साथ साथ 35 डंपर और कई दूसरी खुदाई मशीनें भी जमीन में धंस गई हैं। इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों में हाहाकार मच गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मजदूरों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राज्य के CM रघुवर दास का भी कहना है कि राहत और बचाव कार्य जारी है और वो खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो झारखंड के गोड्डा में बड़ा हादसा हुआ है। रात से ही मजदूर फंसे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि खाई में दबे अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। अब तक 7 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। देखते रहिए DB Live।